मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे ग्रंथों में कहा गया है, ओम द्यौ शांति ही अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति ही आपः शांति ही औषधय शांति ही वनस्पतय शांति ही विश्वे देवा शांति ही ब्रह्म शांति ही सर्वम शांति ही शांतिरेव शांति ही श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। इसका अर्थ है, हे ईश्वर, तीनों लोकों में हर तरफ शांति का वास हो, जल में, पृथ्वी में, आकाश में, अंतरिक्ष में, अग्नि में, पवन में, औषधि में, वनस्पति में, उपवन में, अवचेतन में, संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति स्थापित करे। जीव मात्र में, हृदय में, मुझ में, तुझ में, जगत के कण कण में, हर जगह शांति स्थापित करे। ओम शांति ही शांति ही शांति। जब कभी भी विश्व शांति की बात होती है तो इसको लेकर भारत का नाम और योगदान स्वर्ण अक्षरों में अंकित दिखेगा। भारत के लिए इस वर्ष 11 नवंबर का विशेष महत्व है, क्योंकि 11 नवंबर को आज से 100 वर्ष पूर्व प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। उस समाप्ति को 100 साल पूरे हो रहे हैं, यानी उस दौरान हुए भारी विनाश और जनहानि की समाप्ति की भी एक सदी पूरी हो जाएगी। भारत के लिए प्रथम विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी। सही मायने में कहा जाए तो हमारा उस युद्ध से सीधा कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद भी हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े और बहुत बड़ी भूमिका निभाई, सर्वोच्च बलिदान दिए। भारतीय सैनिकों ने दुनिया को दिखाया कि जब युद्ध की बात आती है तो वो किसी से पीछे नहीं है। हमारे सैनिकों ने दुर्गम क्षेत्रों में, विषम परिस्थितियों में भी अपना शौर्य दिखाया है। इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य रहा, शांति की पुनः स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध में दुनिया ने विनाश का तांडव देखा। अनुमानों के मुताबिक करीब 1 करोड़ सैनिक और लगभग इतने ही नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। इससे पूरे विश्व ने शांति का महत्व क्या होता है इसको समझा। पिछले 100 वर्षों में शांति की परिभाषा बदल गई है। आज शांति और सौहार्द का मतलब सिर्फ युद्ध का न होना नहीं है। आतंकवाद से लेकर जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास के लेकर सामाजिक न्याय, इन सब के लिए वैश्विक सहयोग और समन्वय के साथ काम करने की आवश्यकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति का विकास ही शांति का सच्चा प्रतीक है।